हेलो फ्रेंड्स, एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम ETF की बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ETF ही माना जाता है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सब ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी कैपिटल को 2x, 3x, 4x नहीं 10x तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन वो ये सब कुछ करते कैसे है, क्योंकि उनकी बाइंग स्ट्रेटेजी बहुत मजबूत होती है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन बाइंग स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ETF बाय करना है और आप भी उस पैसे को अपने 4 गुना 5 गुना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ब्रोकरेज चार्जेस लग जाते हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास में यही आते हैं कि सर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। तो आज मैंने समाधान खोज लिया है भैया। पेटीएम मनी के थ्रू यदि आप ETF को बाय करते हैं तो आपका 0 ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाले हैं, यानी कोई भी ब्रोकरेज फीस आपको नहीं देनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया, जाकर अपना अकाउंट पेटीएम मनी पर ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं, वो तीन तरीके कौन से है ETF बाय करने के। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ETF बाय करने की सबसे पहली स्ट्रेटेजी है मार्केट ट्रेंड्स। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट ऊपर होता है जब ETF बाय कर लेते हैं और वो वहीं सस्टेन करता रहता है, तब बोलते हैं कि हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े ट्रेडर ये वाली गलती नहीं करते हैं। ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना। अगर मार्केट जब डाउन जा रहा है तब आप ETF बाय करेंगे तो डेफिनेटली लिख के ले लीजिए, आपका प्रॉफिट ही होगा। अब नीचे जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा कि कितना नीचे जाएगा, कहां पर खरीदना है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। अब देखिए, मार्केट ट्रेंड से एक एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूं। अभी निफ्टी जो 20 है, निफ्टी 20 ETF है, वो तकरीबन 270 के आसपास चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले 180-190 के आसपास हुआ करता था और बहुत तेज रफ्तार से 270 निकल गया है। सर 270 निकल गया है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने मूवमेंट दिखाई। मान लीजिए निफ्टी 20 आज की तारीख में बाय करना है आपको, आपने मार्केट खोल के देखा है कि पिछले 10-12 दिन से या 2 वीक का आप देख सकते हैं कि 2 वीक के अंदर जो निफ्टी 20 है वो 270 से 265 के आसपास गया है। मार्केट 265 के आसपास गया है और वहीं से ये वापस ऊपर जा रहा है, अब नीचे आते आते ये 265 तक तो आया है, लेकिन आपने क्या किया है, अब ये मान लीजिए 265 के आसपास आपको खरीद मिल गई तो भैया आपने इसको बाय कर लिया है। मार्केट डाउन में आपने इसको बाय कर लिया, अब कितना गिरेगा नहीं पता है। मान लीजिए आपका कैपिटल है, आपने 265 के भाव से ही इसमें 10 क्वांटिटी आपकी बाय कर ली है, 265 के भाव से आपने 10 क्वांटिटी बाय कर ली है। और हाँ, ये लॉन्ग टाइम के लिए मैं बता रहा हूं, आपको पहले बता देता हूं, लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है पूरी। आपने 265 के अंदर इसको बाय कर लिया है, अपना 10,000 का कैपिटल या 10 क्वांटिटी आपने बाय कर दी है इसके अंदर, जो भी आपका कैपिटल रेशियो रहने वाला है। अब मान लीजिए मार्केट यहां से सस्टेन करके वापस ऊपर निकल रहा है, 265 से तो आपको फायदा हो रहा है, 265 से मार्केट ऊपर निकल रहा है तो फायदा हो रहा है। और मान लीजिए जिस दिन मार्केट और ज्यादा गिर गई, मार्केट भैया और ज्यादा गिर गई, यानी तो आप चिंतित हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे कि भैया ये क्या हो गया, बेच दो उसको। लेकिन वो बेचने का सही टाइम नहीं होता है सर, वो खरीदने का सही टाइम होता है, मान लीजिए 260 पर ही आ गया, 260 पर ही आ गया, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जितनी क्वांटिटी मैंने यहां बाय की है ना, मैं उससे जस्ट डबल क्वांटिटी यहां पर बाय मार देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी 4 जून को जब रिजल्ट आए थे इलेक्शन के, मार्केट एक दिन में 10% डाउन थी, बहुत अच्छा मौका था खरीदी करने का, मैंने वहां पर भी खरीदा था और अगले दिन ही वो सब कुछ रिकवर हो गया था, एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट लेकर उठ गए थे। तो ध्यान से समझो, जब मार्केट में डाउन आपको दिखेगा, डाउन पता नहीं है कि ये 270 से 260 जाएगा, 250 जाएगा, 240 जाएगा, कितना गिरेगा कोई पता नहीं लगा सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन आप यहां पर क्या करेंगे कि आपका 30,000 का कैपिटल है तो आप उसके 3 से 4 टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं भैया हमको तो 8,000 या 10,000 पे 3 टुकड़े करना है, तो 10,000 की आपने बाइंग यहां पर ले ली है, 10,000 अगर उससे नीचे और जाता है तो यहां पर बाइंग ले ली है, और उससे भी नीचे जाता है तो यहां पर आपने बाय कर लिया है। तो अपने 30,000 के कैपिटल को आपने डाउन में ही बाय किया है और लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो ETF आपको अप ट्रेंड में ही नजर आएगा, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आपको डाउन ट्रेंड में ही बाय करना है ETF।
आप इंतजार कर लीजिए, आज मौका नहीं मिल रहा है डाउन ट्रेंड का भैया, आज कुछ गिरा ही नहीं है, आज तो अप ट्रेंड में, तो मत खरीदिए ना। आप कौन कह रहा है आपको, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, अगले वीक कभी तो मार्केट गिरेगा ना, जिस दिन गिरेगा उस दिन आपको मार्केट से ETF को उठा लेना है। ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी है डेट वाइज। अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही उनका पर्पज है कि नहीं भैया हम तो लंबे समय तक ETF को खरीदेंगे, 10 साल 15 साल तक रख के रखेंगे, हम तो बेचना नहीं है हमको तो ETF को। तो वो लोग क्या करेंगे, डेट वाइज होता है। अब डेट वाइज क्या है, बहुत से लोग करते भी ऐसा कि मार्केट, मान लीजिए महीने में आपको 20 दिन मार्केट में मौका मिलता है खरीदारी करने का, 20 दिन मार्केट चलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 8 दिन वो कम कर लीजिए, कुछ हॉलीडेज ज्यादा होते हैं, 20 दिन एक एवरेज हम लेकर चलते हैं। 20 दिन में से हमको पांच दिन ETF को बाय करना है। मान लीजिए आपने 5 तारीख को बाय करा है, 10 तारीख को बाय कर लिया है, फिर 15 तारीख को बाय कर लिया है, फिर 20 तारीख को बाय कर लिया है हमने, और 25 तारीख को बाय कर लिया है। तो ऐसे हमने डेट सेलेक्ट कर लिया कि भैया 5 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो मैं ETF बाय कर लूंगा, वो कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, कितना भी कैपिटल हो सकता है। 10 तारीख को भी जब महीने की 10 तारीख आएगी तो मेरे को बाय करना है, 15 तारीख आएगी तो बाय करना है, 20 आएगी तो बाय करना है, 25 आएगी तो बाय करना है। लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ होती है भैया, जो 1 से लेकर 5 तारीख तक की डेट है ना, इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप 7 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि 7 तारीख को हम यहाँ पर पहला जो हम बाय करेंगे डेट वाइज में, वो 7 तारीख को हम बाय करेंगे। और ETF आपको कौन से उठाने हैं कि भैया, आपने ऐसे तो नहीं है कि आप 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख को आपने ETF बाय कर लिया, कोई से भी मर्जी आए जो मत, फ्यूचर देखते हुए आपको बाय करना है। मान लीजिए आपने निफ्टी 20 आपने ले लिया कि भैया निफ्टी की टॉप कंपनीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो निफ्टी 20 आपने ले लिया, वेल एंड गुड। आपने CPSE ले लिया, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी सारी, CPSE ETF की, वो ले लिया, वेल एंड गुड। और इन सब की नॉलेज चाहिए आपको, कौन कब गिर रहा है, कैसे बाय करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा बाय ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं उसका। निफ्टी 20 CPSE आपने ले लिया, ईवी सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं, ईवी सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं, IT के अंदर आप जा सकते हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम के ऊपर भी आपको ग्रोथ पर ही मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये बैंकिंग सेक्टर हो गया। अब ये सेक्टर क्या कभी डाउन जा सकते हैं, बैंक क्या सारे के सारे डूब जाएंगे, ये बताओ मेरे को आप। निफ्टी 20 निफ्टी की सारी कंपनियां डूबने वाली है, नहीं डूबने वाली है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको कुछ सेक्टर है जो एक डेट वाइज पर्टिकुलर आपको बाय करने हैं, वो आपकी डेट आप फिक्स कर लीजिए कि महीने में भैया मेरा तो 10,000 रुपए 20,000 रुपए जिसका जैसा कैपिटल है कि मेरे को तो उसको 5 टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है। 10,000 रुपए कैपिटल है आपका, तो आपने 2,000 रुपए 5 बार महीने में डाल दिए हैं। ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगने दूंगा, फ्री का मैंने तरीका बता दिया, पेटीएम मनी के ऊपर अकाउंट अपना ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका, डेली वन ETF बाय। ये कैसे है, एक तरह से लाइक ETF की दुकान, इसे आप कह सकते हैं कि आपको महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए महीने में 30 दिन, 31 दिन, जितने भी दिन आपको मौका मिल रहा है आपने हर रोज एक ETF बाय करा है। इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कहा जाता है कि आपको डेली सेम ETF बाय नहीं करना है, डेली सेम ETF बाय नहीं करना है। जैसे आपने निफ्टी 20 पहले दिन बाय कर लिया तो दूसरे दिन आप CPSE बाय करेंगे, तीसरे दिन गोल्ड 20 बाय करेंगे, चौथे दिन IT 20 बाय करेंगे, लेकिन वो भी करने का क्या तरीका है, जो वाला ETF आपको जिस दिन गिरावा मिल रहा है 1% से अबाव आपको गिरावा जो ETF मिल रहा है वो आपको उठा लेना है। 1% से ज्यादा अगर गिरावा जो आपको ETF मिल रहा है वो आपको उठा लेना है, और डेली सेम ETF आपको बाय नहीं करना है। इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं, डेली आप ETF बाय कर रहे हैं, यानी महीने का मान लीजिए आपका 10,000 रुपए का भी टारगेट है, आप डेली जो ETF बाय कर रहे हैं क्वांटिटीज वाइज, वो आपको डेली सेम ETF बाय नहीं करना है इस वाली। और आप डेली आप ETF बाय करते हुए चल सकते हैं, और बाय कब करना है आपको, 2 बजे से 3 बजे के बीच ही बाय करना है, क्योंकि मार्केट जब ओपन होता है तो अप ट्रेंड आपको नीचे मिलता है, लेकिन 2-3 के बाद में मार्केट स्लो हो जाता है और एक जगह फिक्स हो जाता है, तो 2-3 PM के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं, और डेली आपको एक ETF बाय करके चलना है। तो तीन तरह से आप ETF को बहुत इजीली, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है वो भी सिंपल तरीके से बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए मैंने बताया कि लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास में रहने वाला है, जब आपका टारगेट फुलफिल हो जाए,
अब कई लोगों का टारगेट है कि भैया मेरे को तो 5% मिलते ही मैं तो बाहर निकल जाऊंगा, तो भैया वो 5% पे निकल सकते हैं। कई लोगों का 10% रहता है, वो 10% पे निकल जाएंगे। कई लोगों का 20% रहता है, वो 20% निकल जाएंगे। जिस भी ETF के अंदर आपको आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नजर आने लगे, आप वो बुक करके बाहर निकल सकते हैं, वहां से नई बाइंग चालू कर सकते हैं या नए ETFs की तरफ आप देख सकते हैं। क्योंकि भैया प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना, हम इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, तो प्रॉफिट भी तो हमको चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं, मान लीजिए 20% प्रॉफिट मेरे को हो रहा है, 20% प्रॉफिट मेरे को हो रहा है, तो क्या करा, मेरे पास मान लीजिए 100 क्वांटिटी थी ETF की, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, 100 की 100 को सेल कर देंगे। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती नहीं करनी है। इन 100 में से मैं कहता हूं सर आप 75 ही बाय करिए, 25% अपने पास में उसको होल्ड करके रखिए लॉन्ग टाइम के लिए। किस कोई सा भी हो, ETF हो, कोई भी शेयर हो, ये आप जरूर से रखिए। मान लीजिए कौन सा शेयर MRF जैसा निकल जाए, पता नहीं कौन सा ETF आपको 60% 80% का रिटर्न दे जाए, कह नहीं सकते। इसलिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी उसकी होल्ड करके आप जरूर से रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।